हे फैमिली, वेलकम बैक। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोग के दो आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। फिलहाल तो आप देख सकते हो मेरी आँख के नीचे कितने काले घेरे हो चुके हैं, डार्क सर्कल बढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरी जो नींद है ना वो पूरी हो नहीं रही है और घर की जिम्मेदारी भी बढ़ी हुई है। साथ ही अपने साथ साथ दो दो बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, और मेरी बेटी का भी तबीयत इन दोनों ठीक नहीं चल रहा, तो वो भी रात में जग जाती है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब मुझे चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। फिलहाल तो मैं नहाने के लिए आ गई हूँ, यहाँ पे अपने क्लॉथ्स निकाल रही हूँ। और आज का जो पूरा दिन है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज से मैं साफ़ सफ़ाई शुरू करवाऊँगी। क्योंकि अभी मुझे दिवाली में पता नहीं मैं कहाँ रहने वाली हूँ, लेकिन दिवाली के टाइम पर मैं अपना जब भी घर भी जाती हूँ तो घर का सारे साफ़ सफाई करके ही जाती हूँ। मैं 11 बजे नहाने जा रही हूँ। मेरा जो बेटा है वो सो चुका है, और आधा नहीं 1.5 घंटे में मेरी बेटी भी आ जाएगी। तो फिलहाल तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अभी आज का व्लॉग में ना मैं आप लोगों को बस यही दिखाने वाली हूँ कि आज मेरे घर में थोड़ी बहुत सफाई है स्टार्ट हो जाएगी। और पूरा मेरा जैसे कि 4 BHK है, 3 BHK कहने के लिए, और 4 रूम है, एक छोटा सा रूम और है, तो वो ना सब कुछ आजकल हम सोच रहे सफाई कर ले। और मेरे घर में इतने सारे कपड़े पड़े रहते हैं ना कि कपड़े ही को फोल्ड मारते मारते हमारा आधा रात भी निकल जाएगा, सुबह भी हो जाएगा, फिर लेकिन कपड़े ही नहीं आएंगे। तो आज क्लटर भी कर दूँ, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम है, और जल्दबाजी में मैं इस ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं तो बच्चा सजग गया ना तो फिर मुझे आधा घंटा और लगेगा उसको सुलाने में, और वो सोएगा भी नहीं। तो जल्दी से आते हैं। दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किचन से। हम लोग तो नहीं, निशा जी सफाई कर रही हैं। हम क्या बकैती करते हैं यहाँ पे आके। क्या बोली? बकैती करे इसलिए काम में मन लग रहा है। अच्छा, काम करते करते काम हो जाएगा। तो यहाँ किचन के कैबिनेट से सफाई शुरू हो चुकी है। सारे सामान हटा हटा कर बढ़िया से साफ़ किया गया, और सारे सामान को फिर से वापस रखा गया साफ़ करके। और यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे से ये साफ़ सफाई कर रही है, और मेरी जो विंडो है खिड़की की, वो सारी चीज़ें ये साफ़ कर रही हैं बिना बोले। और पता है मेरे घर में ना हाउस हेल्पर जो आती हैं, जो झाड़ू पोछा के लिए आती हैं, उनसे मैंने कह रखा था कि मेरी साफ़ सफाई करा देना, बट वो नहीं की। ये इनका काम सिर्फ खाना बनाना था, लेकिन इनका इनको मेरी हालत देख के ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बोल रही थी भाभी आप छोड़ दीजिए, मैं इस पर कर दूंगी। वैसे तो हम जब भी जाते हैं ना घर, तो मैं खुद से ही सफाई करके जाती हूँ, और यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट भी पड़ता है। अगर आप एक्स्ट्रा काम कराओगे तो इसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चीज़ें, और साथ में दिवाली की बख्शिश वगैरह तो देनी ही पड़ती है। तो हमेशा लोग नहीं कर पाते हैं, खुद से भी अगर हम लोग जब ठीक रहते हैं तो हम लोग खुद से ही कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों मेरी हालत और कंडीशन देख ही रहे हो क्या चल रही है। 2 महीने हुई है सी-सेक्शन की, और अभी मुझे इतना भारी भरकम काम करना अलाउ नहीं है। तो ये देख सकते हो ऊपर की सफाई हो चुकी है, अब नीचे की सफाई हो रही है। इसमें सारे चावल दाल आटा वगैरह रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये अच्छे से साफ़ कर रही है। नहीं, वो ही गया। निशा थोड़ा थकी होगी कि नहीं? ये ऊपर से हटा के साफ की है, तो इसको धुला देते हैं। अच्छा छोड़ो, नया मंगाते हैं, ऊपर वाला फ्रिज का डलाएगा, कितना साल से चला रहे। मैं मशीन का तो क्या आ जाएगा? ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलो। हाँ, सेवा करती है माता रानी। ये माता रानी का हम लोग सेवा करते हैं। दिवाली की सफाई शुरू कर चुकी हूँ, और मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। तो ये मंदिर का हालत आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें मेस की तरह फैली हुई है। और आज मैं ना इसी का मेकओवर करने वाली हूँ। वैसे तो 2 महीने से मैं इस पूजा रूम में नहीं आई थी, और मंदिर में दिया वगैरह नहीं जलाई थी। वैसे हमारे यहाँ तो 7 महीना बरकाना होता है जब डिलीवरी होती है, तो मैंने 2 महीना कर लिया था, और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। नवरात्र में मैंने सोचा था कि नवरात्रि में मैं ये मंदिर को अच्छे से पेंट वगैरह करके दिया जलाऊँगी, माता रानी की पूजा करूँगी, बट नवरात्र
फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके मतलब पहले ही मुझे इतनी बैक पेन होने लगा, हेडेक होने लगा कि बहुत ही ज़्यादा, पूछो ही मत, ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडी खींच ली थी बॉडी में और मुझे बहुत ठंडी वगैरह भी लग रही थी। एनीवेज अभी तो मेरा सारा ठीक है, मैं मेरी तबीयत ठीक रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ये जितने पुराने स्टिकर मैंने दिवाली में लगाए थे ना पिछले बार, तो ये सारी चीज़ें हटा कर मैं न्यू लुक दूंगी। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, कुछ आइडिया मुझे समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी होगा बेस्ट होगा। तो अभी मैं ये सारी स्टिकर को ना अभी पानी के हेल्प से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने फेविकोल का यूज़ किया था इसमें, तो ये कभी आसानी से निकलेगा नहीं, तो मैंने इसमें थोड़े बहुत पानी वगैरह डाल दिया। वैसे तो ये वुडन टेम्पल है, तो थोड़ा बहुत वुड को भी खराबी हो सकता है। तो ये देख सकते हैं मंदिर में थोड़ा सा पानी डालने का ना ठीक हो गया। गाइस अभी दोपहर के 1:15 होने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीचे डुगू को स्कूल वैन से लेने के लिए। यहाँ पे बेबी को भी नहला के रेडी कर दिया है और वो सो भी गया है यहाँ पर, तो चलते हैं नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये वाला कुर्ता सेट डाला है और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब बेबी के होने के बाद, तो ये भेजी थी। काफ़ी प्यारा सा कलर है, प्रिंट डिजाइन इसका बहुत अच्छा लगता है, और इसमें क्या अच्छी बात क्या है ना, ये फ्लेयर वाला है तो मुझे अच्छा लगता है, और कॉटन भी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। इसको 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ, आयरन नहीं किया ना, तो इस वजह से इस टाइप का दिख रहा है। अभी दिवाली की सफाई चल रही है और बीच बीच में कुछ कुछ जो काम रहता है डेली का वो चल ही रहा है, बच्चे को लाना जाना, उसको स्कूल भेजना, फिर बेटे को नहलाना, सब कुछ काम अकेले ही करना पड़ रहा है। बस 2 हेल्पर हैं जो थोड़े बहुत कर देती हैं, और अभी मैं चलती हूँ नीचे, लेट हो रहा है। 1:15 हो चुका है, नीचे 1:40 में आ जाती है वैन। कुछ ही स्टेप से हाल है, पानी वगैरह डाल दिया मैंने चिकन भी। इसी टाइम पर ना बच्चों से आवाज़ आ रही, तो हमको लगता है कि आ रही है कि जा रही है, हम 1 मिनट तो वेट कर रहे थे। ये देखे क्या कला पता सो रहा है, पूरा आँख बंद करके बैठा है, हमको लगा सो रहा, लेकिन देख लो। अच्छा इसके पास है, चलो मिला सुसु लगाया आ डुगू जल्दी, क्लास में नहीं करती हूँ बेटा, घर जा घर जा। तो बोल दिया करो, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। देख रहे हैं, और हम भी वीडियो बना के भेज दे रहे हैं ग्रुप में, करो बदमाशी तुम लोग। देखो आप उस समय हुआ तो गाइज ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और मैं आ गई हूँ फिर से अपने मंदिर को सफाई करने के लिए, और देख सकते हो जितना पानी वगैरह डाला था ना तो सारे स्टिकर निकल चुके हैं, और ये लास्ट है जो अब निकल नहीं रहा है, तो मैं इसी के ऊपर सोच रही हूँ कि सारे स्टिकर को पेस्ट कर दूँ। तो कुछ इस टाइप से मैंने वॉलपेपर मीशो से ऑर्डर किए थे जो कि टाइल्स वर्क में आते हैं, और ये ना थोड़ा बहुत संभाल कर आपको लगाना पड़ता है, नहीं तो इसके अंदर एयर लग जाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। तो और गोल्डन कलर का मैंने ये वॉलपेपर लिया था, तो इसे मैं अपर साइड में लगा रही हूँ।
तो रात हो चुकी है, अभी हस्बैंड भी घर पे आ चुके हैं और मेरी मंदिर भी रेडी हो चुकी है। देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से इसका डेकोरेशन किया है, सजावट की है। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और अभी से सफाई करने के बाद भगवान जी को मैं इसमें विराजमान कराऊंगी। तो यहाँ पे भगवान जी भी आ गए हैं और सारे देवी देवता को मैंने बैठा दिया, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस मंदिर में। और ये जो एक रेड कलर की आप जिस टिकट देख रहे हो ना, इसे निकालना मैं भूल गई थी, क्योंकि ऊपर से जो ड्रावर निकल रहा था ना, उसकी वजह से ये दिख नहीं रहा था। तो इस बार मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मैं इसे निकाल दूंगी। और कितने प्यारे लग रहे हैं ना भगवान जी इस टाइल्स वर्क में वाले मंदिर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे लगता है मंदिर चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा कम बजट में भी और एफर्ट देने के बाद कोई भी चीज़ अच्छी ही लगती है। तो यहाँ पर शिव जी का मैंने फोटो फ्रेम लगाया और ये देख सकते हो मंदिर का हाल थोड़ा बहुत है, स्टोर वाला भी काम इधर है। तो ये सारे गद्दे और बेडशीट वगैरह मैंने निकाल के दे रखा है किसी को देने के लिए। और ये टेबल के ऊपर कार्टून चढ़ा दिया गया, जो भी यूजलेस सामान है इसमें मैं रखी हूँ। तो थोड़ा ना इसका कॉर्नर मैं स्टोर की तरह यूज करती हूँ। ये रूम भी काफ़ी अच्छे से साफ हो गया। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। व्हाइट कलर उठाता है, दूधू भी नहीं मांगता। कौन वो वाला बेबी? कौन बेबी? उसका मुंह जो ब्लैक कलर का होता है, उसका बॉडी ब्राउन कलर का होता है। वो ये कौन सा कलर का है? ये तो नहीं, व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का है। तो यही देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो बाबू है ना, वो बिल्कुल सोता नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स करके बात कर रही हूँ, तो ये कितना अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, आप भी सुनो। नींदिया ने क्या आवाज है ना, कब ना मिला, 1 बजे सोते लगा रात में। अरे सो आई होप गाइज आज की वीडियो ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर जरा सा पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आती है। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन गाइज बाय। सुता लाडू सो जा, ढेर रात हो गल बाबू।